नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्टी बेस्टी। आज मैं कुछ बात करूंगी उन लोगों के लिए जिनको हरियाली तो पसंद है पर उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि समस्याएं सबकी अलग अलग होती है। किसी के पास नर्सरी से पौधे लाने का वक्त नहीं है और किसी को उनकी केयरिंग करने का वक्त नहीं है। तो आज छोटी सी टिप है वही शेयर करूंगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को हरियाली पसंद होती है। तो आज अपनी टिप में मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि आप कैसे बिना किसी बीज के, बिना किसी पौधों के आप भी हरियाली का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे कोचिया के पौधे होते हैं, भर भर के हरियाली देते हैं, उनमें कोई फ्लावर्स नहीं आते, कुछ इसी तरह से हम लोग भी अपनी हरियाली फैलाएंगे। क्योंकि जब हरे भरे पौधे देखते हैं तो हमारी आंखों को ठंडक मिलती, हमारे दिल को सुकून मिलता है। तो बस क्यों ना बिना एफर्ट्स के जब आप हरियाली का मजा ले सकते हैं तो क्यों ना ले। वही एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, देखिएगा अगर आपको पसंद है तो आप भी प्लीज ट्राई जरूर करें। और कुछ अपने जो हमारे बिगनर्स हैं, जो कुछ गार्डनिंग का अनुभव करना चाहते हैं या पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है। ये ऊपर आप आई बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस मेरे वीडियो को देख पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो जो लोग देखना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू जरूर जाएं। क्योंकि इसमें मैंने कुछ अपने ऐसे पौधों की बात करी है जो कि आपके लिए लगाने में बहुत आसान है। जो शुरुआत करना चाहते हैं अपने गार्डनिंग के, तो कुछ इन्हीं हमारे आसान से पौधों से कर सकते हैं। और फैमिली में पहली बार जुड़ने वाले न्यू मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें कि जिससे आगे आने वाले वीडियोज के अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बिना किसी बीज के, बिना किसी नर्सरी से पौधे लाए, हरियाली की हरियाली की। और उसी का एक ये मैं दिखाऊंगी आपको, हम कितनी हरियाली लग रहा है ना खूबसूरत से। शायद कुछ लोग पहचान भी रहे होंगे, जो लोग गांव देहात से जुड़े होंगे जरूर इसको पहचान रहे होंगे, पर शायद शहर में रहने वाले इनको ना पहचान पा रहे। कितनी लंबी इसकी लेंथ चाहिए, और अगर आपको इसकी लेंथ इतनी नहीं चाहिए तो भी ये ऑप्शन आपके पास है कि इसको आप सीजर की मदद से आप काटते रहे, जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ में आप इसकी हरियाली को फैलाएं। मुझे तो इतनी ऊपर तक इसकी लेंथ जा रही है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो मैंने इसकी कटिंग नहीं करी है। पर अगर आप चाहते हैं कि इतनी लेंथ ना जाए तो आप इसकी टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करें, और कुछ एक महीने में आप भी इतनी भरी पूरी आप पा सकते हैं हरियाली। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि है क्या चीज, बहुत ही सिंपल चीज है, ये है हमारा बाजरा यानी कि मिलेट। क्योंकि शहर में पेड़ पौधों से कहीं ज्यादा लोग बस कबूतर को या चिड़ियों को कुछ दाना पानी रखते हैं, तो जो मेरा सोचना है तो लगभग 90% लोगों के पास ये बाजरे के दाने मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या कि आप डेली रखते होंगे दाना पानी, तो इसी में से कुछ एक दाने आपके पास जो भी चार पांच पॉट्स हैं तो चार चार पांच पांच दाने आप बिखेर दीजिए और ये कुछ आपका हो जाएगा। ये हरियाली की अगर मैं बात करूं और इसका श्रेय मैं दूं तो मैं अपनी दूंगी चिड़ियों को, जो मैंने चिड़ियों के लिए रखा था दाना पानी खाने के लिए, तो चिड़ियों ने खाते वक्त इसमें कुछ दाने गिरा दिए थे। और ये मेरा पॉट देख रहे हैं, ये बहुत ही मेरा, देखिए इसकी डेप्थ अगर मैं दिखाऊं, देखिए इसकी डेप्थ कितनी कम है, हार्डली इसकी 5 इंच की डेप्थ होगी। और इसमें मिट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ, उस 5 इंच की डेप्थ में देखिए लगभग ये मेरी 3 इंच की ही इसमें मिट्टी पड़ी होगी, क्योंकि इसमें मैंने अपना लगाया हुआ था ये एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा को हमारे बहुत गहरे पॉट की जरूरत नहीं होती है, मिट्टी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो मैंने इसमें अपना इसके लिए तैयार किया था। और जो दाना पानी मैंने रखा चिड़ियों के लिए, तो चिड़ियों ने खाते वक्त कुछ दाने इसमें गिरा दिए। पहले तो जब स्टार्टिंग में इसके ये पौधे बढ़ने चालू हुए तो मुझे पता ही नहीं चला क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ा तो सारी चीज समझ में आ गई कि चिड़ियों ने ही बाजरे के दाने गिराए और वही बाजरे के पौधे उगा। और ये रियली इतने खूबसूरत लगने लगे कि मैंने फिर इसको उखाड़ भी नहीं थे। अब ये देखिए कितनी, एक महीने में ये देखिए कितने हरे भरे हो गए। और चूंकि अभी ये बाजरे का मौसम भी आ रहा है, इस मौसम में भी बरसात में अगर कुछ एक दाने आप अपने पॉट्स में बिखेर देंगे तो कुछ इसी तरह की आप भी हरियाली पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना किसी एफर्ट्स के। क्योंकि इसमें आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने, सिंपली आपको कुछ एक दाने पॉट्स में बिखेर देने, डेली उसमें पानी दे देना है और बस बैठे बिठाए बिना किसी बीज के, बिना किसी प्लांट्स के आप भी हरियाली का मजा ले सकते हैं। और
बस मुझे तो ये टिक बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई बहुत सी ये बेस्ट है जिनको हरियाली पसंद है। तो बस आपके पास जो भी खाली गमले पड़े हो, कुछ एक दाने बिखेर दीजिए, जितने दाने आप चिड़ियों को रखते हैं खाने के लिए, उसी में से कुछ दाने उठाइए और गमलों में डाल दीजिए। तो बस आप भी पा पाएंगे ये फ्री की हरियाली, जो आपकी आंखों को भी सुकून देगी, आपके दिल को सुकून देगी। तो बस मुझे लगा कि छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहिए, तो वही मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज, बस वही कहूंगी जैसे अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ, कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुछ इसी तरह से गार्डनिंग में व्यस्त। थैंक यू।